माँ बनना किसी भी महिला के लिए सौभाग्य की बात होती है। जैसे ही कोई महिला गर्भधारण कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता है। और प्रेग्नेंट महिला के मन में अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि गर्भ में शिशु कैसा दिखता होगा और शिशु के कौन कौन से अंग बन चुके होंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही कोई महिला बेबी कंसीव कर लेती है तो प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही शिशु के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में महिलाओं को पता भी नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। गर्भ में शिशु का विकास पीरियड खत्म होने के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। गर्भधारण के बाद एमनियोटिक थैली का बनना शुरू हो जाता है। एमनियोटिक थैली में ही शिशु का विकास होता है। एमनियोटिक थैली में ही प्लेसेंटा का बनना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा गोल और चिपटी होती है, जो कि एक गर्भनाल से जुड़ी होती है। इसके जरिए ही गर्भस्थ शिशु को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में। प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही पेट में शिशु के अंगों का बनना शुरू हो जाता है। गर्भ के पहले महीने में बच्चे की आँख और उसका मुंह बनना शुरू हो जाता है। इस महीने में शिशु का गला और जबड़ा भी बनना शुरू हो जाता है। गर्भ के पहले महीने में ही शिशु का ब्लड सेल में ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने के अंत तक भ्रूण का साइज चावल के दाने के बराबर होता है और शिशु की लंबाई लगभग 6 से 7 मिलीमीटर यानी कि 1/4 इंच हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शिशु का विकास पहले महीने की तुलना से ज़्यादा होने लगता है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे का चेहरा और उसका कान भी बनने लगता है। हाथों का बनना भी शुरू हो जाता है। पैरों की उंगलियां भी बननी शुरू हो जाती है। गर्भ के दूसरे महीने के अंत में शिशु की मस्तिष्क, पाचन तंत्र और रीढ़ की हड्डी भी बनने शुरू हो जाते हैं। इसी महीने में शिशु की हड्डियाँ कड़ी होने लगती है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में शिशु गर्भ में हलचल करना भी शुरू कर देता है, लेकिन शिशु की हलचल माँ को अभी महसूस नहीं होती है, क्योंकि इस समय भ्रूण का साइज काफ़ी छोटा है। दूसरे महीने के लास्ट तक शिशु की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच तक हो चुका होता है। आपका शिशु इस समय 9.4 ग्राम का हो चुका होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के लास्ट में शिशु के सारे अंग पूरी तरह से बन चुके होते हैं। इस महीने में शिशु के हाथ, पैर और पैरों की उंगलियां भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। इसी मंथ में शिशु अपने हाथ की मुट्ठी को खोलना या बंद करना भी शुरू कर देता है। गर्भ के चौथे महीने में शिशु का विकास तीसरे महीने की तुलना से काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। इस मंथ में अल्ट्रासाउंड के जरिए शिशु की धड़कन को देखा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भ में शिशु की दिल की धड़कन से पता लगाया जाता है कि गर्भ में शिशु स्वस्थ है या नहीं। गर्भ के चौथे महीने में बच्चा अंगूठा चूस सकता है और अंगड़ाई और उबासी भी ले सकता है। गर्भ के पाँचवें महीने में शिशु का विकास चौथे महीने की तुलना से काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु गर्भ में हलचल करना शुरू कर देता है, जो कि माँ महसूस कर सकती है। गर्भ के छठे महीने में शिशु के स्किन का रंग लाल हो जाती है और वह झुर्रीदार हो जाती है। इस मंथ में स्किन ट्रांसपेरेंट दिखता है, जिस कारण नसें साफ साफ दिखती है। प्रेगनेंसी के 6 मंथ में ही शिशु के हाथों और पैरों पर फिंगरप्रिंट बनने लगते हैं। इस मंथ में शिशु अपनी आँखें खोलने लगता है। शिशु काफ़ी हलचल भी करने लगता है माँ के पेट में। शिशु हिचकियाँ भी लेना शुरू कर देता है। हिचकियाँ लेने पर माँ को इसका एहसास भी होने लगता है। गर्भ के 7वें महीने में शिशु का विकास 6ठे महीने की तुलना में काफ़ी अधिक हो चुका होता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु के शरीर में फैट बनना शुरू हो जाता है और शिशु इसी महीने में करवट लेना शुरू कर देता है। 7वें महीने में शिशु के सुनने की क्षमता भी विकसित हो चुकी होती है। शिशु अब बाहरी आवाज़ को सुन सकता है। यदि गर्भवती महिला के पेट पर तेज रोशनी इस समय पड़ती है तो शिशु अपना रिएक्शन देता है।
यदि वह सो रहा है तो वह तेज रोशनी से जग जाता है, फिर वह हलचल करने लगता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में गर्भस्थ शिशु के अंदर सभी अंग विकास हो चुका होता है, लेकिन अभी भी फेफड़े पूरी तरह से नहीं बने होते हैं। गर्भ के 8वें महीने में शिशु के शरीर पर फैट बन रही होती है और शिशु का मस्तिष्क भी काफ़ी हद तक विकसित हो रही होती है। शिशु अब पूरी तरह से देख और सुन सकता है, क्योंकि इस समय शिशु के आँखें और कान पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं। गर्भ के 8वें महीने में शिशु पेट में लात मारना शुरू कर देता है। ये किक आपको महसूस ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि 8वें महीने में शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है। शिशु की हरकतों को अल्ट्रासाउंड के जरिए भी देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, गर्भ के 8वें महीने में शिशु की लंबाई 18 इंच हो चुकी होती है और शिशु का वजन लगभग 2 किलोग्राम से अधिक हो चुका होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने के बारे में। गर्भ के 9वें महीने में शिशु का विकास 8वें महीने की तुलना में काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुकी होती है। ऑलमोस्ट शिशु के विकास की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है। गर्भ के 9वें महीने में शिशु की फेफड़े बन चुके होते हैं, बाकी सारे अंग बन चुके होते हैं। इस मंथ के लास्ट तक शिशु का जन्म हो सकता है। गर्भ के 9वें महीने में शिशु अपनी पोजीशन बदल लेता है, यानी कि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर चला जाता है और शिशु नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ यानी कि गर्भावस्था का आखिरी महीना, इस समय गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 3 किलोग्राम से अधिक होता है और शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच तक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी 1 से 9 महीने तक गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है और प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में शिशु के कौन कौन से अंग बनते हैं। फ्रेंड्स, माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि इस काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। तो आप खुद को सौभाग्यशाली महसूस करें, अपने शिशु की हर एक गतिविधियों को महसूस करें और गर्भावस्था के हर एक पल का आनंद लें। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक